स्वागत है आपका मेरी किचन में, जहाँ खाना प्यार से बनता है। और मैं हूँ आपकी दोस्त रूपम सेतिया। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही सही एग सैलेड की रेसिपी विद अ वेरी डिफरेंट ड्रेसिंग। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मुझे मेरे व्यूअर्स से सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं सैलेड्स के, तो पेश है आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट एग सैलेड। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यूजुअली हम सैलेड लवर्स को जब कुछ क्रीमी खाना होता है सैलेड में, तो हमें मेयोनीज का सहारा लेना पड़ता है, एंड वी नो कि मेयो हेल्दी नहीं होता है। तो आज जो मैं ड्रेसिंग बनाने वाली हूँ इस सैलेड में, वो बिल्कुल मेयो जैसा ही टेस्ट करेगा, लेकिन अनहेल्दी नहीं होगा। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरा सुपर हेल्दी एग सैलेड। इस अमेजिंग सैलेड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 5 अंडे, जिसे मैंने उबाल के अच्छे से छील लिया था। अब मैं 3 अंडों से इनका योक निकाल लूँगी, क्योंकि ये योक यूज़ करूँगी मैं इसकी ड्रेसिंग बनाने के लिए। इस ड्रेसिंग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 1/2 आलू। तो ये बहुत ही छोटा सा आलू था, तो ये 1/2 आलू लेके मैंने उबाल के, और अब मैं इसको हाथ से तोड़ के ऐसे इस मिक्सी में डाल दूंगी। ये 3 अंडों के योक्स जो मैंने निकाले थे, ये भी जाएंगे इसके अंदर। इसी के साथ जाएगा इसके अंदर 1/4 चम्मच नमक। 1/4 चम्मच मैं डालूंगी इसके अंदर काली मिर्च पाउडर, और 1/4 चम्मच मैं डालूंगी इसके अंदर शुगर। तो शुगर ऑप्शनल है, लेकिन जो मेयो वाली फील की हम बात कर रहे हैं, वो हल्की सी मिठास के साथ ही आती है, तो बस बिल्कुल 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाला है। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा दूध। तो ये मेरे पास 1/2 कप दूध है, अभी मैं सारा नहीं डालूंगी, 1/2 कप का भी मैंने 1/2 रोक लिया है, और बस अब इसको सीधा हम ब्लेंड कर लेंगे। ये ड्रेसिंग अभी थोड़ी सी थिक लग रही है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और दूध डाल के इसको ठीक करूंगी। इसे एक बार चेक कर लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी पे आ गई है। ये देखिए कितनी क्रीमी और कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ मैंने लिया एक बोल, और इसके अंदर मैं इन एग्स को कट करके डाल दूंगी। तो जितने भी आपको पीसेस चाहिए हो, आप उसके हिसाब से इसे कट कर लेना। ये सैलेड बनाऊंगी थोड़ा सा हेल्दी और क्रंची। तो यहाँ कुछ वेजिटेबल्स हैं, ये गाजर जिसको मैंने पतला पतला काट लिया है, ये जाएगा इसके अंदर। कैप्सिकम, प्याज, इनको भी मैंने बहुत ही पतला पतला कर लिया है, और ये कैबेज। और इसके ऊपर जाएगी ये अमेजिंग सैलेड ड्रेसिंग जो मैंने बनाई थी, ये मैं डालूंगी इसके ऊपर। नेक्स्ट डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 नींबू। इसे थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और डालूंगी। तो यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पार्सले। तो अगर आपके पास फ्रेश पार्सले है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ये ड्राइड पार्सले भी यूज़ कर सकते हो, ये आराम से मार्केट में मिल जाता है। तो ये भी जाएगा इसके ऊपर। यहाँ मेरे पास है ड्राइड मिंट, तो अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप फ्रेश पुदीना डालो, और अगर नहीं है तो आप ये ड्राइड पुदीना भी इसके अंदर डाल सकते हो, पुदीने का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो ये भी जाएगा इसके अंदर, और बस लाइट हैंड से मैं इन्हें ऐसे बहुत ही हल्के हाथ से इसे मिक्स कर दूंगी। तो इस सैलेड में एग्स की सॉफ्टनेस, वेजिटेबल्स का क्रंच और ड्रेसिंग की क्रीमिनेस, ये सब मिलके बनते हैं अमेजिंगली हेल्दी और टेस्टी सैलेड।
आई एम श्योर अगर आपको सैलेड्स पसंद है तो ये सैलेड खा के आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। आप अगर इसे बनाएं तो इसकी फोटोग्राफ क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझे ज़रूर दिखाइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।